हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 8 पोएम नंबर 3 मैकवेटी द मिस्ट्री कैट। सो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस और बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो एक शरारती कैट और जो बहुत ज़्यादा रहस्यमय कैट होती है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। डू यू हैव अ पैट कैट? क्या आपके पास पैट कैट है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने उसके अंदर कुछ बहुत ही रहस्यमय कुछ देखा है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। ये ईजी नहीं है कहना कि हर जो कैट है वो मिस्टीरियस होगी। बट मैकेटी इज़ अ वन, लेकिन मैकेटी तो क्या है, मिस्टीरियस कैट है फॉर श्योर। वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? तो क्या ऐसी चीज़ है जो इसे एकदम मिस्टीरियस कैट बना देती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। तो हम इस पोएम में वो देखेंगे। मैकवेटीज मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकवेटी जो है वो कौन है? एक मिस्टीरियस कैट है। एंड ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, मतलब उसको किस नाम से बुलाया जाता है? हिडन पॉ। हिडन पॉ मतलब जो मतलब कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है, उसके जो पैरों के निशान हैं, उसके जो पंजों के निशान हैं वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे हैं, हिडन पॉ, इसलिए उसका नाम रख दिया है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और वो क्या है? एक मास्टर क्रिमिनल है, मतलब सबसे बड़ी अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ मतलब किसी भी लॉ को वो हरा सकती है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को वो हरा सकती है। डिफाई मतलब डिसओबे करना या किसी रूल को फॉलो नहीं करना। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। एंड बैफलमेंट मतलब वो परेशानी में डाल देती है स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ लंडन पुलिस फोर्स जो होते हैं। फाइन, इन द मीनिंग ऑल्सो इट इज़ गिवन, यू कैन सी हियर। जो बैफल द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंडन पुलिस फोर्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड बोला गया है। तो वो वहाँ पे भी उसने बहुत ज़्यादा परेशानी मचा के रखा हुआ है। एंड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है पुलिस फोर्स यानी पुलिस की जो टीम होती है उसको भी उसने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, चिंतित कर रखा है। डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस। तो वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस मैकवेटी कैट से। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकवेटी इज़ नॉट देयर। और जब भी वो क्राइम, जो भी उसने क्राइम करा होता है वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो मैकवेटी वहाँ से गायब हो जाती है। मैकवेटी देर इज़ नो वन लाइक मैकवेटी। तो मैकवेटी जैसा कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने सारे जितने भी नियम हैं ह्यूमन्स के द्वारा, जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो भी तोड़ दिए हैं। भगवान के द्वारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो भी तोड़ दिया है। जैसे ग्रेविटी का लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है। तो मैकवेटी किस तरीके से है, उसके पास क्या है, पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेर। उसके पास कुछ ऐसे पावर्स हैं, लेविटेशन का मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। तो कुछ इस तरीके से हवा में उड़ती है कि वो नीचे आती ही नहीं है। तो उसने ब्रेक कर दिया है लॉ ऑफ ग्रेविटी भी। एंड वुड मेक अ फकीर स्टेर, और ये सब देख के जो फकीर यानी जिनके पास पावर्स होते हैं ना, द पर्सन हु हैज़ पावर्स, जैसे संत बाबा जो फकीर टाइप के लोग होते हैं ना, वो भी उसको देख के आश्चर्यचकित हो गए हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकवेटी इज़ नॉट देयर। और जब कोई भी क्राइम करके मैकवेटी क्या करती है, वहाँ से भाग जाता है। फाइन, इट्स अ मेल कैट। तो मैकवेटी क्या करता है, वहाँ से कोई भी क्राइम करके निकल जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। तो आप उसे बेसमेंट में देखोगे मतलब जमीन के नीचे देखोगे तो भी वो नहीं मिलेगी, एंड उसे एयर में देखोगे, आसमान में देखोगे तो भी वो नहीं मिलेगी। बट आई विल टेल यू वंस अगेन, मैकवेटी इज़ नॉट देयर। तो बार बार क्या बोल रहे हैं ऑथर, पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैकवेटी को हम आप बेसमेंट में देख लो या एयर में देख लो, मैकवेटी नहीं मिलेगी। मैकवेटी इज़ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकवेटी जो है वो एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट का मतलब होता है जिसका जो कलर है ना वो जिंजर जैसे कलर का हो। फाइन, जैसे लाइट ब्राउनिश कलर का। एंड वेरी टॉल, वो कैसी है दिखने में, एकदम टॉल है, एकदम थिन है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, आप उसे तभी पहचानोगे जब आप उसे एक बार उसे देख लोगे, उसके बाद आप उसे ज़रूर पहचानोगे। फॉर हिज आइज़ आर सनकेन इन का मतलब होता है धसी हुई हैं, उसकी जो आँखें हैं वो अंदर धसी हुई हैं। His brows is deeply lined with thought, his head is highly domed. उसका जो ब्रो है ना, देखो आप इस फिगर में देख सकते हो, उसका जो ब्रो है वो किस तरीके से, इसके जो आईब्रोज हैं वो दोनों ऐसे ऊपर चढ़े हुए हैं। तो उसके जो आईब्रोज हैं वो हमेशा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई थॉट में डूबी हुई है। और उसका जो सिर है, इसकी जो सिर है वो एकदम डोम के जैसा है, एकदम गोल है, डोम के जैसा है। एंड
हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट. हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट का मतलब है उसका जो कोट है ना वो पूरी तरीके से धूल में भरा हुआ है और वो उसे साफ भी करना नहीं चाहता है. हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड. विस्कर्स का मतलब क्या होता है, जैसे जो कैट के हेयर्स होते हैं ना, जैसे जो मूछ वगैरह के बाल होते हैं ना जो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में, वो भी उसने उसके क्या है अनकॉम्ब्ड है. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक. वो अपने हेड को इधर उधर मूव करती है जैसे कोई स्नेक कैसे मूव कर रहा हो उस तरीके से. एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक. और जब आपको लगता है कि वो सोई हुई है आधी, तब वो एक्चुअली में जगी हुई होती है वो पूरी तरीके से. सो इट्स लाइक कि कैट जो है वो एकदम बहुत ही होशियार बताया गया है, बहुत ही रहस्यमय कैट हमें यहाँ पे बताई गई है. एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक. मैकबटी मैकबटी देर इज़ नो वन लाइक मैकबटी फॉर ही इज़ अ फियंड इन फेलाइन शेप. फियंड इन फेलाइन शेप का मतलब होता है, फियंड का मतलब होता है डेविल. फियंड का मतलब क्या होता है, डेविल होता है. एंड फेलाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी कैट से कोई भी चीज़ रिलेट करती होती है, रिलेट कर रही होती है, उसको हम फेलाइन बोलते हैं. तो फियंड इन फेलाइन शेप इट मीन्स वो एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है, एक डेविल है कैट के फॉर्म में. मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी. डिप्रेविटी का मतलब होता है मोरल करप्शन या कोई भी ऐसी चीज़ जो मोरली इनकरेक्ट हो. तो वो क्या कर रहा है, जैसे मोरली इनकरेक्ट चीज़ें क्या होती है, जैसे आपने किसी को मार दिया या किसी के घर में जाके चोरी कर ली, फाइन, या कहीं से कुछ भी लूट कर ली, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मोरली इनकरेक्ट है. तो जो मैकवेटी है वो ये सारी चीज़ें कर रही है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो एक मॉन्स्टर कैट है. यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर. तो आप उसे कहाँ पे मिल सकती है, वो आपको कोई भी गलियों में दिखाई दे सकती है या कोई भी चौराहे पे दिखाई दे सकती है. स्क्वायर मीन्स जो चौराहे, जहाँ पे चार रास्ते मिल रहे होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जैसे है ना, तो ये आपका हो गया स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं चौराया, फाइन. देन बट व्हेन क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकबटी नॉट देयर. तो लेकिन ये वैसे दिखती रहेगी, लेकिन जब भी जहाँ पे भी क्राइम होगा वहाँ पे ये नज़र नहीं आएगी. मीन्स ये क्राइम करके वहाँ से भाग जाता है, फाइन. सो ये क्राइम करके वहाँ से निकल जाता है. सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय T.S. एलियॉट. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. इफ एनीबडी एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.